आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूँ। जूठन आत्मकथा भाग दो के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस प्रकार चंदा जी के ऊपर विपत्ति आती है और मोहल्ले की औरतें अपनी सूझबूझ और हौसले से उनके ऊपर आई विपत्ति को टालने में सक्षम होती हैं। और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी मन ही मन तहे दिल से उन लोगों का सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। अब आगे 5 दिन बाद डॉक्टर कुडियाल से चंदा ने कहा, डॉक्टर साहब मुझे घर जाना है। डॉक्टर साहब बोले, ठीक है जरूर जाओगी, लेकिन एक शर्त है, अपने बेड से उठकर जब मेरे ऑफिस तक बिना किसी सहारे के चलकर जाओगी तभी मैं आपको घर जाने की अनुमति दे सकता हूँ। अगले दिन से ही चंदा ने अस्पताल के बरामदे में थोड़ा थोड़ा चलना शुरू कर दिया था, लेकिन मैं एक मिनट के लिए भी वहां से नहीं हट सकता था। इस घटना ने चंदा के मन में एक दहशत बैठा दी थी। मैं जरा सा भी इधर उधर होता तो चंदा घबरा जाती थी। उस समय मेरे लिए ऑफिस जाना भी संभव नहीं हो पा रहा था। मेरी इस स्थिति का लाभ उठाने का मौका अमित मेहता को मिल गया था। उन्होंने महाप्रबंधक को वस्तु स्थिति न बताकर मेरी शिकायत कर दी थी कि मिस्टर वाल्मीकि लंबे समय से ड्यूटी नहीं आ रहे हैं, जबकि मैंने छुट्टी के लिए बाकायदा आवेदन दिया हुआ था जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि मेरी पत्नी का स्वास्थ्य खराब है, वह अस्पताल में भर्ती हैं। उसके बावजूद अमित मेहता ने तथ्यों को छिपाकर मेरी शिकायत महाप्रबंधक को की थी और यह भी कहा था कि मुझे वाल्मीकि नहीं चाहिए, मैं उनके बगैर अपना अनुभाग चला सकता हूँ, बेहतर होगा कि उन्हें कहीं और पोस्ट करा दें। जिस लहजे में अमित मेहता ने ये बातें कही थी वे बहुत गलत था। संयोग से उस वक्त शिव बाबू मिश्र भी वहां मौजूद थे, उन्हीं से मुझे यह सब पता चला था। महाप्रबंधक ने मेरा ट्रांसफर यार्ड अनुभाग में कर दिया था जहां सफाई कर्मचारी लेबर्स आदि को मुझे देखना था। लोगों की ऐसी मान्यता थी कि उस अनुभाग में निकम्मे लोगों का ही ट्रांसफर किया जाता है, यानी मुझे भी निकम्मे की श्रेणी में डालने में अमित मेहता सफल हो गए थे। एक बार फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के सामने वही स्थितियां आकर खड़ी हो गई थी जो जबलपुर में वार्ष्णेय जी ने इनके लिए खड़ी करी थी। अमित मेहता जो इनके ग्रुप प्रबंधक थे वे सब कुछ जानते थे कि किस तरीके से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं अपने घरेलू मामलों में, लेकिन उसके बावजूद भी तथ्यों को छुपाकर उनको उनकी सही औकात में कहूंगी याद दिलाना चाहते थे। और एक बार उन्होंने फिर इस कुटिल चाल से उनको ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को उसी डिपार्टमेंट में डाल दिया जिससे बाहर आने के लिए उन्होंने जबलपुर में भी काफी मशक्कत की थी। उसके अलावा भी निकम्मेपन की श्रेणी में उनको लाकर खड़ा कर दिया था। ये शायद इस प्रसंग से, इस उल्लेख से यही अंदाजा लगता है कि निकम्मेपन का मतलब यहां पर यह होगा कि बतौर पनिशमेंट लोगों को इस डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाता होगा, पोस्टेड किया जाता होगा कि आप कुछ काम के तो हैं नहीं तो क्यों नहीं इन्हीं लोगों को संभालिए। और फिर ओम प्रकाश जी के साथ तो वाल्मीकि सरनेम भी जुड़ा हुआ था जिसके चलते लोग पहले से ही पूर्वाग्रही थे और उन्हें उनकी असली जगह बताने में लालायित रहते थे। उसके अलावा यहाँ पर श्री बाबू मिश्र जी का भी मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगी जो मुझे थोड़ा सा हैरानी भरा लगता है। उनका चुप रह जाना यूं जबकि वे वहां पर उपस्थित थे, वे इंटरवीन कर सकते थे, वे रोक सकते थे, टोक सकते थे। उनको जो महाप्रबंधक थे उनको असली स्थिति से अवगत करा सकते थे, लेकिन वे वहां चुप थे। उस विभाग के अधिकारी शिव बाबू मिश्र थे, उन्होंने मुझे हौसला देते हुए कहा था, भैया जी आप इसे मन में ना लगाएं, इसी में से रास्ता निकलेगा और अमित मेहता गलत साबित होंगे। सिर्फ तसल्ली देकर ही उन्होंने काम चला लिया। मैंने जैसे कि थोड़ी देर पहले ही कहा, शिव बाबू मिश्र जी यदि चाहते तो अमित मेहता जी को टोक सकते थे, जबकि शिव बाबू मिश्र जी खुद भी उप महाप्रबंधक की पोस्ट पर थे और अमित मेहता जी सिर्फ ग्रुप प्रबंधक ही थे। जैसे कि स्कूल के सिस्टम से अगर मैं आपको समझाना चाहूं, हम सभी स्कूल का सिस्टम जानते हैं कि एक प्रिंसिपल होते हैं, उनके नीचे वाइस प्रिंसिपल होते हैं और उनके नीचे नंबर आता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स का। और यहीं पर ये था महाप्रबंधक, उसके बाद शिव बाबू मिश्र जी उप महाप्रबंधक जिसे आप वाइस प्रिंसिपल के तौर पर ले सकते हैं, और फिर ग्रुप प्रबंधक यानी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट।
तो वहां पर अमित मेहता जी को वो टोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के साथ सहानुभूति तो जताई। ये चीज गौर तलब करने लायक है कि सह जाति बंधुओं से बिगाड़ करने का उनका कोई इरादा नहीं था। ऐसे प्रसंग कई जगह आए हैं और उसे मैंने कई जगह कोट भी किया है, आज फिर कर रही हूं। ये थोड़ा मेरे लिए हैरानी का विषय है। मेरा यह ट्रांसफर पूरी फैक्ट्री में चर्चा का विषय बन गया था, यहां तक कि यूनियन के भी महाप्रबंधक के इस निर्णय पर एतराज जताया था, लेकिन मैंने बिना किसी विरोध के उस अनुभाग का कार्यभार संभाल लिया था। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनकी प्रतिक्रिया इस ट्रांसफर पर कुछ ऐसे शब्दों में सुनाई पड़ी, जिस लायक थे वही पहुंचा दिया। यानी उस अनुभाग में जो फैक्ट्री की साफ सफाई करता है, इन प्रतिक्रियाओं पर मैंने स्वयं को शांत रखा था। जिस लायक थे वही पहुंचा दिया, यानी कि वाल्मीकि सरनेम था तो सफाई के लायक ही उनको समझा जाता था, जबकि वे हर बार अपनी काबिलियत साबित करते रहे। जबलपुर में भी उन्होंने 2 काम ऐसे असाध्य किए थे जो वर्षों से पेंडिंग पड़े हुए थे। एक था दुकानदारों से वसूली करना पैसे की और किराए की, सॉरी, और दूसरा था जो 5 सालों से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था वो बिना असेंबलिंग के पड़ा हुआ था, उसे असेंबल उन्होंने किया था। और वाहवाही भी लूटी थी अपने बॉसेस की, लेकिन उसके बावजूद भी उनके साथ ये रवैया ठीक नहीं था। और यहां पर मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे चुभता है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का शांत हो जाना। इन प्रतिक्रियाओं पर मैंने स्वयं को शांत रखा था। मैं जानता था कि जो हुआ उसके पीछे मेरा सरनेम है, जो बीच बीच में मुझे मेरी औकात बताता रहता है, लेकिन इन स्थितियों से निकलना मुझे आ गया था। इसलिए मैंने सीधे सीधे टकराव की बजाय दूसरा रास्ता अपनाया था। वैसे अभी जबलपुर वाले प्रसंग में भी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने एकदम सीधा टकराव लिया था, चुनौती दी थी, बल्कि मैं तो कहूंगी धमकी भरे लहजे में कहा था कि अब मैं आपके पास नहीं आऊंगा, भरत सिंह जी वाला केस अगर आपको प्रसंग याद हो तो। और यहां पर इस तरह इतना शांत रह जाना, ये थोड़ा खलता है पाठक वर्ग को भी। अब हम इस आत्मकथा के अंतिम पड़ाव में, अंतिम चरण में प्रवेश करते हैं। यहां पर है हेडिंग है त्रासदी के बीच बनते रिश्ते, और यहीं से इसका अंतिम पड़ाव शुरू होता है। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान राष्ट्रपति निवास शिमला की चिट्ठी मुझे दिसंबर में मिल गई थी, जिसमें 6 महीने के भीतर ही संस्थान में रिपोर्ट करनी थी। आप में से जो लोग भी शिमला गए हैं वे जानते हैं कि वहां पर एक ब्रिटिश लाइब्रेरी है जो भारत सरकार के अधीनस्थ है, लेकिन उसका कार्य जो है वो बिल्कुल सुचारू रूप से वैसे ही होता है जैसे अंग्रेजी समय में हुआ करता था। काफी उसकी महत्ता है। उससे पहले दिसंबर 2010 में भी ऐसी ही चिट्ठी आ चुकी थी, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद अपना घर न होने की गंभीर समस्या मेरे सामने खड़ी थी। मेरे पास सेवानिवृत्ति के बाद रहने की कोई जगह नहीं थी। सरकारी मकान में ज्यादा से ज्यादा 6 महीने रह सकते थे, उसके बाद की विकट समस्या सामने थी। काफी तलाश के बाद भी सही और मनपसंद मकान नहीं मिल रहा था। कहीं कीमत बहुत ज्यादा थी तो कहीं जगह पसंद नहीं आ रही थी। जब तक रहने का कोई ठौर ठिकाना ना हो जाए तब तक कहीं भी जाना संभव नहीं था, यकीनन संभव नहीं था। उतना सारा सामान वे कहाँ रखते जो उन्होंने धीरे धीरे करके पूरी गृहस्थी का जोड़ा था, सुख सुविधाएं जिन्हें कह सकते हैं। सरकारी आवास में रहने की अपनी सीमाएं थी, कभी भी आवास खाली कर देने का आदेश जारी हो सकता था। यह अलग बात थी कि इस तरह का आदेश मुझे 1 वर्ष तक भी नहीं दिया गया था। मैंने संस्थान से अतिरिक्त समय मांगा था, लेकिन संस्थान के भी अपने नियम कानून होते हैं। मुझे दोबारा आवेदन करने के लिए कहा गया था, जो मैंने कर दिया था, और उसकी स्वीकृति मुझे मिल गई थी। अर्थात कुछ समय और सरकारी आवास पर रहने का एक्सटेंशन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को मिल गया था। काफी भागदौड़ के बाद आखिर मकान मिल गया था। 30 जून 2011 को हमारे मकान की रजिस्ट्री हो गई थी। मकान का अधिग्रहण मिलते ही हमने उसमें रंग रोगन और अन्य बदलाव का काम शुरू कर दिया था। अगस्त 2011 में हम अपने नए मकान में आ गए थे। यह हमारे लिए एक बेहद बड़ा और खुशी का अवसर था। हम कह सकते थे कि हमारे पास भी सर छुपाने की एक अपनी जगह है।
सरकारी नौकरी ने जरूर हमें अच्छी सुख सुविधाओं से लैस आवास उपलब्ध कराए थे, वरना अपना जीवन तो मिट्टी के या टीन टप्पर से बने घरौंदों में ही बीता था। एक बार फिर यहाँ उनके बचपन का जिक्र है, जब तक वह बरला में रहे थे। अच्छे आवास हमारे लिए सिर्फ कल्पना भर ही थे, लेकिन नौकरी में आने के बाद ही जीवन की सुख सुविधाएं ठीक प्रकार से देख पाए थे। किराए के मकान ढूंढने और उसमें रहने की त्रासदियों को एक दलित जिस तरह भोगता है, उसे आरक्षण विरोधी और भारतीय वर्ण व्यवस्था पर गर्व करने वाले किसी भी मानवीय दृष्टिकोण के साथ नहीं देख पाएंगे। इन स्थितियों में एक दलित के पास अपना मकान होना क्या मायने रखता है, इसे भुक्तभोगी ही जान सकता है। भुक्तभोगी अर्थात जिसने ये सब मुश्किलें, ये सब कठिनाइयां स्वयं भोगी हैं। सिर्फ इन सब चीजों का महत्ता वही जान सकता है। एक घर, एक छत अपने सर के ऊपर होना क्या मायने रखता है। और यहां भी पढ़ लिख कर जाति सुधारना, जो उनके पिताजी हमेशा से उन्हें कहते थे, सार्थक होता है। पढ़ लिख कर जाति सुधरती है, अर्थात वह सारी सुख सुविधाएं आप जिनके लिए, जो आपके लिए सिर्फ सपने के बराबर होती हैं, वो आप जुटा सकते हैं अपने लिए पढ़ लिख कर। लेकिन आजकल तो ज्ञान जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज में भी बहुत ज्यादा होता है, मैं कहूंगी उससे थोड़ा बचिए, वे ज्ञान नहीं है। अमूमन हम डॉक्टर अंबेडकर को भी देखते हैं कि उनके चार लाइनों के कोट जो है वो जगह जगह सर्कुलेट होते हैं व्हाट्सएप में, जबकि आपके संज्ञान में ये बात अच्छे से ले आऊं कि डॉक्टर अंबेडकर एक वाक्य भी बोलते थे तो वह बिना संदर्भों के नहीं होता था। यदि उन्होंने किसी बात को कहा है, चाहे वो चार ही लाइनें सर्कुलेट होती हैं, लेकिन उसके पीछे के संदर्भों को पहचानिए, उन्हें जानने की कोशिश करिए। बिना संदर्भों के वे अपनी बात नहीं रखते थे। एक वाक्य बोलने से पहले वे दस पन्नों में उसकी भूमिका तैयार किया करते थे। इतनी आसानी से उनके राइटिंग्स को आप चार शब्दों में, चार लाइनों में बयां नहीं कर सकते। चंदा का मन शिमला जाने का नहीं था, वह अपने इस नए घर में रह इस सुख को जीना चाहती थी। काफी तर्क वितर्क के बाद आखिर चंदा ने हामी भर दी थी और हमने शिमला जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। मकान का ऊपरी हिस्सा किराएदार के लिए रखा था, लेकिन इतनी जल्दी कोई ढंग का किराएदार मिलना भी आसान नहीं था। इसके लिए विज्ञापन का सहारा लिया गया था। एक परिवार आ गया था, उन्हें घर सौंप कर हमने शिमला जाने का कार्यक्रम बना लिया था। 12 मई 2013 को मैंने भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान राष्ट्रपति निवास शिमला एक फेलो के रूप में ज्वाइन कर लिया था। उस रोज हम अतिथि गृह में ठहरे थे। मैस और अतिथि गृह के ज्यादातर कर्मचारी मुझे और चंदा को अच्छी तरह पहचानते थे। इससे पूर्व भी हम लोग अनेक बार संस्थान द्वारा आयोजित सेमिनारों में भागीदारी कर चुके थे। संस्थान की गवर्निंग बॉडी का भी 3 वर्ष तक मैं सदस्य रह चुका था, इसीलिए संस्थान मेरे लिए कोई नई जगह नहीं थी। सभी लोग मेरे वहां आने से बेहद खुश दिख रहे थे। अगले ही रोज कोटीन हॉल का बंगला नंबर 3 हमें आवंटित हो गया था। हमारे साथ वाले हिस्से में जम्मू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अनुपमा थी। बराबर के बंगले में भूतल में कविता पंजाबी कोलकाता से थी। उनके ऊपरी मंजिल में पोलैंड से अलेक्जेंड्रा वेंटा थी। कविता पंजाबी के बाद उस बंगले में मालविका तुलसी आ गई थी। ये सभी अपने अपने क्षेत्र की विद्वान महिलाएं थी जिनके साथ रहकर मुझे अच्छा लग रहा था। ये बंगला बेहद खूबसूरत जगह पर था, जहां से नए शिमला को रात में जगमगाते देखना बेहद आकर्षक लगता था। सामने एक छोटा सा आंगन था, उसके बाद नीचे गहरी खाई और बालूगंज को जोड़ने वाली सड़क। खाली समय में आंगन में कुर्सी डालकर बैठना मुझे बहुत ही सुकून देता था, और ये सुकून के पल उनके जीवन में रिटायरमेंट के बाद ही आए, वरना तो ताउम्र उन्हें अपनी जाति के पूर्वाग्रहियों से लोहा ही लेना पड़ा था। बालूगंज बाजार मेरे इस बंगले से एकदम पास था। चंदा के लिए भी आसानी थी कि रोजमर्रा की जरूरी चीजें लेने कहीं दूर नहीं जाना पड़ता था। शिमला जैसी जगह पर ऐसी सुविधा का मिलना मुश्किल था। जिस दिन हम शिमला पहुंचे थे, रात का खाना हमने मेस में ही खाया था। उस वक्त सभी फेलो और वहां अध्ययनरत विद्वानों से एक साथ भेंट हो गई थी। कई लोगों से मेरा पूर्व परिचय था, तो कुछ ऐसे भी थे जिनसे पहली बार मिल रहा था। कुछ के नाम इतने बड़े थे कि भले ही व्यक्तिगत रूप से
पहली बार मिले हूँ, लेकिन नाम और उनके काम से भली भांति परिचित थे। राज विंदर जर्मनी से थे, लेकिन उनसे मेरी मुलाकात पुणे के इस एक साहित्य सम्मेलन में हो चुकी थी। बेंगलोर से जसबीर सिंह थे, जिनको लगातार पढ़ता रहा था। सतीश शर्मा थे, यानी कुल मिलाकर एक अच्छे वातावरण की संभावनाएं रही थी। यहाँ पर संभावनाएं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखते हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे आश्वस्त नहीं थे कि अच्छा वातावरण उन्हें यहाँ मिलेगा, क्योंकि पढ़े लिखों की संगति में उन्होंने देखा था कि पढ़े लिखे लोग भी कितने पूर्वाग्रही हो सकते हैं जाति या सरनेम को लेकर। ये उनके कटु अनुभव थे जीवन के, तो इसलिए यहाँ पर वे आश्वस्त नहीं थे पूरी तरह, इसलिए संभावनाएं लिखा। मुझे संस्थान में दूसरे तले पर अध्ययन कक्ष मिला था। मेरे कक्ष में मेरे साथ डॉक्टर एम ब्रॉल पिंटो पढ़ते थे, शांत स्वभाव के और दिन भर अपने काम में डूबे रहने वाले गंभीर व्यक्ति थे। पढ़ने लिखने के अलावा चर्च में एक फादर के रूप में भी कार्य करते थे, कर्नाटक से आए थे। उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। अपने काम को किस तरह सुव्यवस्थित करना है, यह मैंने उनसे ही सीखने की कोशिश की थी। विद्वता के साथ साथ एक भले इंसान के रूप में उनकी छवि मेरे मन में बन गई थी। कुछ मुद्दों पर हमारे बीच मतैक्य नहीं थे, अर्थात मतभेद थे। जैसे उन्हीं दिनों एनसीईआरटी की पुस्तक में छपे डॉक्टर अंबेडकर के कार्टून को सही ठहराते हुए उनका एक लेख अंग्रेजी की एक बड़ी पत्रिका में छपा था, जिस पर मैंने खुलकर उनके सामने अपनी असहमति रखी थी। उस कार्टून को लेकर देश भर में काफी रोष था। दलितों ने खुलकर विरोध किया था और सरकार को उसे पाठ्यक्रमों से हटाना पड़ा था। यदि आपको याद हो तो वह कार्टून था महाराष्ट्र के एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में, जिसमें नेहरू जो है वो पीछे छड़ी लेकर खड़े हैं डॉक्टर अंबेडकर के, जिससे ये आभास मिलता है कि डॉक्टर अंबेडकर में संविधान को समय से पूरा करने की काबिलियत नहीं थी, वो तो नेहरू की छड़ी थी जिसके डर से वह उसे पूरा कर रहे थे। तो ये एक गलत मैसेज था जिसका खुलकर दलित संगठनों ने विरोध किया था और उसे टेक्स्ट से बाहर कर देना पड़ा था। संस्थान ज्वाइन करने के बाद दूसरे दिन संस्थान के निदेशक प्रोफेसर पीटर रेनॉल्ड डिसूजा से उनके ऑफिस में मुलाकात हुई थी। उस वक्त चंदा भी मेरे साथ थी। उन्होंने काफी खुले मन से हमारा स्वागत किया था। वे मेरे लेखन से अच्छी तरह परिचित थे। जूठन वे काफी समय पहले पढ़ चुके थे। मेरी सभी पुस्तकें संस्थान के पुस्तकालय में उपलब्ध थी। कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने जो भी कुछ लिखा था वह उस संस्थान में मौजूद था जहां पर ये बतौर फेलो पढ़ाई करने या अध्ययन करने आए थे। मैं जिस विषय पर काम करने आया था उन्होंने मेरा उत्साह बढ़ाते हुए कहा था, वाल्मीकि जी यदि इस काम में ऐसी कोई भी पुस्तक आपको चाहिए जो यहाँ नहीं है हमें बताइए, हम उसे उपलब्ध कराएंगे। एक अच्छा वातावरण यहाँ देने की हर संभव कोशिश रहती है। उम्मीद है आप और मिसेस वाल्मीकि संस्थान में अच्छा महसूस करेंगे। संस्थान की ओर से जो भी सहयोग चाहिए मिलेगा। उनसे मिलकर जब हम लौटे तो बहुत अच्छा लग रहा था। उनके व्यवहार ने हम दोनों का मन जीत लिया था। चंदा अपनी गृहस्थी जमाने में व्यस्त हो गई थी और मैंने अपना काम शुरू करने के लिए पुस्तकें कंप्यूटर स्टेशनरी आदि जुटाना शुरू कर दिया था। पढ़ाई लिखाई का काम इतना आसान नहीं होता। कदम कदम पर आपको कई तरह की जरूरी चीजों की जरूरत पड़ती है और आजकल तो जैसे कि सारा कुछ जो है वो कंप्यूटर पे आपको सेव करना पड़ता है। हाथ से लिखने का रिवाज थोड़ा कम हो गया है। पुस्तकालय से पुस्तकें ढूंढने में वहां के स्टाफ ने काफी मदद की थी। कंप्यूटर आदि के लिए काफी कुशल इंजीनियर वहां मौजूद थे, इसलिए काम शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं आई थी। संस्थान का वातावरण काफी सुखद और शांत था। काम करने में मन लग गया था। पढ़ने लिखने की तमाम सुविधाएं वहां मौजूद थी। यह शायद ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के जीवन में पहला अवसर होगा जब वे इतने शांत और सुकून मन से अपना अध्ययन कर पा रहे होंगे, वरना उससे पहले तो प्रशासनिक जिम्मेदारियों के चलते और प्रशासनिक अधिकारियों से लोहा लेने में ही उनका जीवन बीत रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी उनका साहित्य सृजन लगातार होता रहा था। बेशक वो उतने शांत मन से ना कर पाते हों, लेकिन यहां उन्हें वो मन के अनुकूल शांत वातावरण मिला था और समय भी।
मैं सुबह 9:30-10 बजे तक संस्थान पहुंच जाता था और दोपहर 1 बजे तक काम करता था। लंच के बाद 2:30 बजे तक फिर से अपने कक्ष में पहुंचकर काम में जुट जाता था। कुछ देर के लिए पुस्तकालय में पत्रिकाएं देखता था। सप्ताह के प्रत्येक गुरुवार को सेमिनार दिवस के रूप में रखा गया था। उस रोज 3 बजे दोपहर के बाद किसी एक या दो फेलो को अपने कार्य से संबंधित व्याख्यान देना होता था, जिस पर बाकी फेलो चर्चा करते थे। यह एक महत्वपूर्ण सेमिनार होता था जिसमें सभी साथी फेलो खुलकर हिस्सा लेते थे, साथ ही अपने अध्ययन को आगे बढ़ाने और सही दिशा में ले जाने में मदद भी मिलती थी। तो ये वो सेमिनार हुआ करते थे जिसमें आप कह सकते हैं पेपर रिप्रेजेंट करने होते थे, आप जिस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं फिर उसके ऊपर चर्चा होती थी और उससे अध्ययन में आगे बढ़ने में मदद मिलती थी। किस प्रकार कि जब पेपर के ऊपर चर्चा होती थी आपके प्रेजेंट किए हुए पेपर के ऊपर, तब उसके ऊपर कुछ उसके पक्ष में होते थे, कुछ उसके विपक्ष में होते थे, तर्क वितर्क चलता था, कुछ ऐसे सवाल निकल कर आते थे जिन पर हो सकता है अनजाने में आपका ध्यान न गया हो। तो ये सब चीजें जो थी वो एनरिच करती थी आपके अध्ययन को। शिमला में रहते हुए जिस गति से मैंने अपना काम शुरू किया था वैसे ही मेरी शारीरिक क्षमता घटने लगी थी। शुरू शुरू में मैंने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन जैसे जैसे वजन घटने लगा मेरी चिंता भी बढ़ने लगी थी। खाना भी एकदम कम हो गया था। खाने के प्रति अरुचि तो मैंने देहरादून में रहते हुए ही महसूस की थी। देहरादून में हरिद्वार रोड पर डॉक्टर K.S. रावत से मैं 2-3 बार मिला था और अपनी समस्या उनके सामने रखी थी। उन्होंने हर बार एक ही जवाब दिया था, आप एकदम फिट हो, इस उम्र में खाना तो वैसे भी कम हो जाता है, इस बारे में ज्यादा सोच विचार मत करो। हर बार उनका यही कहना था। शिमला के लिए निकलने से पहले चंदा फिर एक बार मुझे लेकर डॉक्टर रावत के पास गई थी। उस रोज भी उन्होंने वही पहले वाला उत्तर दोहराया था। चंदा ने उनसे कहा भी था, डॉक्टर हम लोग कुछ समय के लिए शिमला जा रहे हैं, वहां जाकर नई जगह पर कोई परेशानी ना हो जाए, इसलिए आप एक बार ठीक से देख लें। यदि कोई टेस्ट वगैरह कराना हो तो वह भी करा सकते हैं। यदि कोई गंभीर बात है तो मैं इन्हें लेकर शिमला नहीं जाऊंगी। आप व्यर्थ परेशान हो रही हैं, एक मौका मिला है, शिमला का आनंद लीजिए। डॉक्टर रावत ने चंदा को समझाने की कोशिश की थी। आगे चलकर यही निर्णय मेरे विरुद्ध गया था। इस तरह का एटीट्यूड डॉक्टर का बहुत चौंकाने वाला है। आजकल जहां इतनी सुविधाएं मेडिकल की उपलब्ध हैं, एकदम एडवांस ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं, वे लगातार बोलने पर भी टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। अमूमन क्या होता है कि यदि कोई पेशेंट लगातार शिकायत कर रहा है एक ही तरह की दर्द की, तो डॉक्टर उसे गंभीरता से लेते हैं, जो भी टेस्ट मुनासिब समझते हैं वो करवाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर का एटीट्यूड बिल्कुल उलट है। वे हर बार यही कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही है, फिट हैं आप। धीरे धीरे मेरा दोपहर का खाना न खा पाने की स्थिति आ गई थी। रात में भी सिर्फ थोड़ी सी खिचड़ी, जिसके कारण मेरा वजन तेज गति से गिरना शुरू हो गया था। चढ़ाई चढ़ने पर सांस भी फूलने लगी थी। संस्थान में डॉक्टर मीनू से मैंने बात की थी, लेकिन उनको भी मेरी ये समस्या समझ नहीं आई थी। धीरे धीरे मेरे हालात गंभीर होने लगे थे। ये 2011 या 12 की बात हो रही है और तब तक मेडिकल फैसिलिटीज इतनी एडवांस हो चुकी थी कि किसी भी रोग को आसानी से पकड़ा जा सकता था, लेकिन डॉक्टर्स का एटीट्यूड इतना लापरवाही हो सकता है, ये थोड़ा सा अचंभित करता है। जून के अंतिम सप्ताह में सीमा अपनी दोनों बेटियों नन्नू और बन्नी को साथ लेकर हमारे पास आई थी। साथ में चंदा की बड़ी बहन स्वर्णलता भी थी। ये लोग लगभग एक सप्ताह हमारे पास रहे थे। सीमा हर रोज कहती थी, चाचा जी आप किसी अच्छे डॉक्टर से जाकर मिलिए, आप काफी कमजोर हो गए हैं, या फिर मेरे साथ नोएडा चलिए, वहाँ काफी अच्छे डॉक्टर हैं, हमारे परिचित हैं, उनको दिखा देंगे। ठीक है, मिलता हूँ किसी अच्छे डॉक्टर से, मैंने उसे आश्वस्त किया था। जिस रोज में उन्हें शिमला के नए बस अड्डे पर देहरादून की बस में बैठाने के लिए आया, तो चंदा की बड़ी बहन ने एक बार फिर मुझे डॉक्टर के पास जाने की सलाह दी थी। मैंने उनसे भी कहा था, ठीक है मैं एक आध रोज में किसी अच्छे डॉक्टर से मिलता हूँ, आप लोग चिंता ना करें। उन्हें बस का टिकट दिलाकर मैं वापस आ गया था। अपने अध्ययन कक्ष में पहुंचते ही सबसे पहले मैंने चर्चित कथाकार हरनोट को फोन किया था। वे शिमला के पर्यटक विभाग में थे।
और मेरे अच्छे मित्र भी हैं। जब मैंने उन्हें अपनी समस्या बताई तो वे बोले, आपकी गिरती सेहत देखकर मैं भी चिंतित था। कई बार सोचा कि आपका किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप कराया जाए। आप चिंता ना करें, मेरे बेटे की पत्नी सुनीता सैनिटोरियम अस्पताल शिमला में नौकरी करती है। उसके आपके निवास से ज्यादा दूर भी नहीं है। आप जब भी चाहें उनसे मिल लें। अस्पताल में डॉक्टर इमामुद्दीन एक अच्छे और काबिल डॉक्टर हैं। सुनीता को मैं कह देता हूँ, वह आपको साथ लेकर जाएगी। जरूरत पड़ी तो मैं स्वयं भी आपके साथ आ जाऊंगा। अगले रोज सैनिटोरियम हॉस्पिटल पहुंचा। सुनीता मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही बोली, अंकल जी आप बैठिए, डॉक्टर अभी आए नहीं है, तब तक मैं आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवा लेती हूँ। डॉक्टर ने सबसे पहले मुझे ही बुलाया था। काफी पूछताछ और चर्चा के बाद डॉक्टर ने मेरे कुछ टेस्ट कराए थे जो वहीं लैब में हो गए थे। कुछ के रिजल्ट तो साथ साथ ही मिल गए थे, कुछ अगले रोज मिलने की बात हुई थी। जो रिजल्ट मिले थे वे सभी ठीक थे, उनमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी जिससे पता चले कि कोई गंभीर बीमारी है। मैंने डॉक्टर से कहा था, डॉक्टर साहब कुछ दवाई देंगे? अभी कोई भी दवा लिखना ठीक नहीं होगा जब तक बीमारी का ठीक से पता ना चल जाए। फिर भी आपको मैं कुछ विटामिन लिख देता हूँ। आपका हीमोग्लोबिन काफी कम है, ये आयरन के विटामिन हैं, इन्हें आप लेते रहिए। डॉक्टर ने पर्ची मेरे हाथ में पकड़ा दी थी। मैं समझती हूँ ये एक सही निर्णय था कि बिना रोग के पकड़ाई में आए किसी भी तरह की दवाई लिख देना पेशेंट को और ज्यादा बीमार करने वाली बात हो सकती है। लगभग 20 दिन तक तरह तरह के टेस्ट चलते रहे, लेकिन रोग के किसी लक्षण को डॉक्टर इमामुद्दीन पकड़ नहीं पाए थे। इन 20 दिनों में मेरी तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी थी। मेरा वजन काफी कम हो गया था। एक रोज जब मैं एक टेस्ट का रिजल्ट लेने अस्पताल की लैब गया तो मेरे पेट में बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही थी। मुझे देखते ही सुनीता ने कहा, अंकल जी आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप घर जाइए। लैब से रिपोर्ट मिलते ही मैं आपके पास भिजवा दूंगी। मैं आपके लिए किसी गाड़ी का इंतजाम करती हूँ। नहीं सुनीता, गाड़ी मेरे संस्थान से आ रही है, तुम चिंता मत करो। मेरे पेट में थोड़ा दर्द है, मैंने डॉक्टर से कहा भी था कि कोई दवा दीजिए लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया था। गाड़ी आते ही मैं घर जाऊंगा, मैंने सुनीता से कहा। उस वक्त मुझे डॉक्टर पर कोफ्त हो रही थी। मैं उस दर्द को सहन करते हुए जब घर पहुंचा तो मुझे देखते ही चंदा घबरा गई थी, लेकिन मैंने चंदा को अपने दर्द के बारे में कुछ नहीं बताया था। तो यहाँ भी डॉक्टर इमामुद्दीन भी बीमारी को पकड़ नहीं पा रहे थे इतने सारे टेस्ट होने के बावजूद भी। तो ये हमारे देश की स्वास्थ्य सेवाओं का हाल है कि इतने जहां दुनिया में एडवांसनेस आ गई है वहां अभी भी सारा सिस्टम शायद पुराने ढर्रों पर चल रहा है, पुरानी मशीनें हैं और लैब की टेस्टिंग भी पुराने ही तरीकों से होती होगी कि रोग जो है पकड़ने में इतनी दिक्कत आ रही है। उसी रोज हिमाचल दस्तक अखबार के पत्रकार रजनीश शर्मा का फोन आया। सर आप कहाँ हैं? मैं आपके ऑफिस में हूँ। मैं इस वक्त अपने निवास कोटिन हॉल 3 में हूँ, मैंने कहा। सर रविवार ये परिशिष्ट के लिए एक लंबा साक्षात्कार चाहिए, रजनीश ने कहा। आप कल आ सकते हैं, मैंने कहा। सर इसी रविवार का ये कोई मैटर जाना है, आप थोड़ा समय मुझे दीजिए, रजनीश ने अपनी विवशता बताई। उस वक्त मैं साक्षात्कार देने की स्थिति में नहीं था लेकिन रजनीश को मैं टाल नहीं सका। ठीक है आ जाइए, ऑफिस से कोई भी मेरे घर का रास्ता बता देगा, मैं इंतजार करूंगा आपका, मैंने उसे बुला लिया था। रजनीश शर्मा जल्दी ही मेरे निवास पर आ गए थे। बाहर हल्की बूंदाबांदी हो रही थी लेकिन शिमला वासियों के लिए यह सब सहज था, रोजमर्रा की बात थी। मौसम कभी भी बदल जाता था, इसलिए हर किसी के पास ऐसे मौसम से बचने के लिए छाता जरूर होता था। रजनीश शर्मा ने आते ही अपना काम शुरू कर दिया था। बातचीत अच्छी हो रही थी, अचानक रजनीश शर्मा ने पूछा, सर आपकी जो फोटो पत्रिकाओं में छपी है उसमें और इस वक्त जो आप दिख रहे हैं में काफी अंतर है। हाँ मेरी तबीयत काफी खराब है, सैनिटोरियम अस्पताल के डॉक्टर इमामुद्दीन 20 दिन से भी मेरी बीमारी को ढूंढ नहीं पाए हैं जबकि मेरी सेहत लगातार गिर रही है, वजन काफी कम हो गया है। मैं खुद भी काफी परेशान हूँ लेकिन इससे मेरे काम पर भी असर पड़ रहा है। सर आपने पहले क्यों नहीं बताया? आप चिंता ना करें, मैं अभी आपके लिए एक अच्छे डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ, रजनीश ने कहा। उसने किसी डॉक्टर से बात की थी, उधर से उत्तर मिला था अभी लेकर आ जाओ। रजनीश मुझे इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर राजेश कश्यप के पास लेकर गए थे। डॉक्टर कश्यप मेरे नाम से परिचित थे।
काफी अच्छी तरह से वे मिले थे। उन्होंने सामान्य बातचीत के बाद कहा, अभी हम डॉक्टर के पास चलेंगे, वे गैस्ट्रोलॉजी के विशेषज्ञ माने जाते हैं। डॉक्टर राजेश कश्यप ने तत्परता से मेरे कुछ विशिष्ट परीक्षण कराए थे। आखिरी परीक्षण लेने जब मैं मेडिकल कॉलेज के लैब में पहुंचा और परीक्षण रिपोर्ट मैंने देखी तो एक बार की को मेरा सर ही घूम गया था। मुझे लगा कि बस जिंदगी का अब आखिरी पड़ाव आ गया है। जब मैं रिपोर्ट दिखाने डॉक्टर कश्यप के केबिन पहुंचा तो वे मरीजों से घिरे हुए थे। मुझे देखते ही बोले, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने बाकी मरीजों को बाहर जाने को कहा था। मैं उनके सामने चुपचाप बैठा था। मेरे दिमाग में जीवन के बचे क्षणों को लेकर सोच विचार शुरू हो गया था। डॉक्टर कश्यप ने कहा, आप एडमिट हो जाओ, कल या परसों आपका ऑपरेशन हो जाएगा। एक सप्ताह के भीतर यदि ऑपरेशन नहीं होता तो खतरा बढ़ सकता है। आज ही आपको खून चढ़ाना पड़ेगा, शरीर में खून एकदम खत्म है। यहाँ आपका मैं ज्यादा खर्चा भी नहीं होने दूंगा। जो भी निर्णय लेना है जल्दी लें, देर करने से स्थिति बिगड़ सकती है। डॉक्टर, यहाँ शिमला में ऑपरेशन कराना मेरे लिए संभव नहीं होगा। यहाँ मिसेज मुझे अकेले नहीं संभाल पाएंगी, वे खुद शुगर और रक्तचाप की मरीज हैं। क्या ये ऑपरेशन देहरादून में नहीं हो सकता? मैंने अपने मन की शंका व्यक्त की। देहरादून से किसी को यहाँ बुला लीजिए, डॉक्टर कश्यप ने कहा। नहीं, यह भी आसान नहीं होगा। मैंने अपनी मन की बात उनके सामने रखी। तो बेहतर होगा फिर दिल्ली में कराएं, उन्होंने साफ साफ कहा। लेकिन जो भी फैसला करो जल्दी करो। ठीक है डॉक्टर, कहकर मैं उठने लगा। वे भी खड़े हो गए थे, हाथ मिलाते हुए बोले, उम्मीद है सब ठीक होगा और हम फिर यहीं शिमला में मिलेंगे। अपने आप को कमजोर मत पड़ने देना, कहकर उन्होंने मुझे विदा किया था। मैं बेहद थके कदमों से उनके कैबिन से बाहर आया था। बाहर संस्थान की गाड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। डॉक्टर ने पूछा था, सर घर चलेंगे या संस्थान? संस्थान ही चलो, मैंने चलने के लिए कहा था। संस्थान जाने का फैसला शायद ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने इसलिए किया होगा कि वे बेहद परेशान थे और यदि वे घर जाते तो चंदा जी उस परेशानी को आसानी से भांप जाती और फिर कहीं घबराहट में उनका बीपी हाई ना हो जाता और लेने के देने ना पड़ जाते, क्योंकि उससे पहले भी चंदा जी काफ़ी स्वास्थ्य से जूझ रही थी, अपने खराब स्वास्थ्य से, और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को देखकर वह शायद और ज़्यादा घबरा जाती। तो इसीलिए ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने सोचा होगा कि थोड़ा लाइब्रेरी में बैठ जाएंगे, थोड़ा संस्थान में दूसरे लोगों से बातचीत करके मन हल्का करके तब चंदा जी के पास जाएंगे। तो आज का एपिसोड यहीं पर। अगले एपिसोड में इस अंतिम पड़ाव को समापन की ओर जाना है, वो आखिरी एपिसोड होगा जो अगला होगा, उसे देखना ना भूलें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।